कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को इस नवरात्र में कई सौगात मिलने वाली है। सबसे पहले तो 5 अक्टूबर को किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र से बटन दबाकर किसानों के खाते में धनराशि भेजेंगे। उन्होंने कहा कि इसी नवरात्रि में एक बार फिर फार्म कृषि यंत्रों के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसमें किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ ही पूरे प्रदेश में 35,000 सोलर पंप भी लगाने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1300 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर 2700 करोड़ रुपए विश्व बैंक से ले रहे हैं। इसके माध्यम से पूर्वांचल के 20 जिलों और बुंदेलखंड के 7 जिलों के किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि 5 वर्ष में पूर्वांचल के किसानों को भी पश्चिम के किसानों की तरह उत्पादक बनाया जाए। हमने FPO के माध्यम से पराली की खरीद की व्यवस्था की है ताकि किसानों की आय भी बढ़े और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। पीएम किसान योजना की लाभार्थी लिस्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करें, बेनिफिशियरी लिस्ट को सिलेक्ट करें, न्यू विंडो में राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव को सिलेक्ट करें। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद लाभार्थी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहां आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।